तो फाइनली जो है उत्तराखंड में इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल रिजल्ट है जारी हो चुका है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 48 सीटों पर जो है बीजेपी फिर से यहाँ पर जो है सरकार बनाने में यहाँ पर कायम रही है, और वहीं यहाँ पर कांग्रेस को 18 यहाँ पर सीटों पर जो है जीत हासिल हो रखी है। बात करते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर जो है बीजेपी हारी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके यमुनोत्री यहाँ पर जो है निर्दलीय का बना है, और वहीं यहाँ पर बद्रीनाथ में भी यहाँ पर बीजेपी की हार हुई है, प्रताप नगर में भी हो रखा है, चक्राता में भी यहाँ पर हो रखी है बीजेपी की हार, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ज्वालापुर में भी यहाँ पर हार हो रखी है। उसके बाद अगर बात करें भगवानपुर से है, और यहाँ पर जेवरिया में भी है, और यहाँ पर प्रियन कैलियर में भी है, और उसके बाद यहाँ पर खानपुर में भी निर्दलीय का हो रखा है, और मैंगलोर में यहाँ पर जो बसपा का है, और लक्षर में जो बसपा जीती है, और हरिद्वार रूरल में यहाँ पर जो है कांग्रेस का है, और धारचूला है, पिथौरागढ़ है, द्वाराहाट है, और लोहाघाट है, और वहीं यहाँ पर हल्द्वानी से भी हारी है, और जसपुर में हारी है, और यहाँ पर जो है बाजपुर में भी हारी है भाजपा, किच्छा में भी हारी है, नानकमत्ता में भी, और खटीमा में। बाकी सभी जगह जो है यहाँ पर 48 सीटों पर जो है बीजेपी विजयी हुई है। बाकी जो बताया मैंने उन पर जो है यहाँ पर किसी पे बसपा और किसी पे जो है यहाँ पर कांग्रेस जीती है। तो 18 सीट पे यहाँ पर कांग्रेस जीती है, और 2 सीट जो है यहाँ पर बसपा लेके आए हैं, और जो निर्दलीय वाले हैं यहाँ पर 2 सीटों पर यहाँ पर इनका हुआ है जीत। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार बन चुकी है, और 48 सीटें यहाँ पर बहुमत मिला है, जो कि पूर्ण बहुमत बीजेपी सरकार को मिल चुका है। और अब कुछ दिन के बाद से यहाँ पर जो है नया जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं वो बनेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर शायद से चीफ मिनिस्टर हारे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर भी कुछ बदलाव हो, संभवतः ये चेंजेस हो सकता है। बाकी जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर कुछ चेंजेस हो, उनके मंत्री भी चेंजेस हो सकते हैं उत्तराखंड में, ये संभावना बताई जा रही है। और बाकी जो है आप लोग रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पर बीजेपी की सरकार फिर से बन चुकी है।